जी हाँ दोस्तों, आखिरकार सुरेश रैना को इसलिए मारने पहुंचे थे जोंटी रोड्स। अब खुद मैच के बाद किया ऐसा खुलासा कि सुनने के बाद आपको भी नहीं होने वाला यकीन। तो दोस्तों, जोंटी रोड्स का पूरा बयान तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी जोंटी रोड्स को दुनिया का सबसे अच्छा फील्डर मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि जोंटी रोड्स और सुरेश रैना में से कौन है एक अच्छा फील्डर। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का रोमांचक T20 मुकाबला इंडिया लेजेंड्स और साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की टीम के बीच खेला गया। तो वहीं दोस्तों, इस पहले ही मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स की टीम ने साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की टीम को पटकनी दे दी। जी हाँ दोस्तों, एक दो रनों से नहीं बल्कि पूरे 61 रनों से, क्योंकि यहाँ पर इंडिया लेजेंड्स की टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, और इंडिया लेजेंड्स की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 217 रन बना दिए थे। और यहाँ पर दोस्तों, इस दौरान सुरेश रैना ने जहाँ 22 गेंदों में 33 रन बनाए, तो वहीं स्टुअर्ट बिनी ने 82 रनों की पारी खेली और यूसुफ पठान ने 15 गेंदों में 35 रन बनाए। और इन्हीं की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम 217 के आंकड़े तक पहुंच पाई। तो वहीं दोस्तों, फिर जब साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की टीम मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी, तो यहाँ साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई भी बल्लेबाज कुछ भी ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाया। बस इस दौरान जोंटी रोड्स ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 27 गेंदों में 38 रन बनाए, बाकी कोई भी बल्लेबाज 30 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया। और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम को 61 रनों से हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं दोस्तों, बीच मैच में एक ऐसा वाक्य भी हुआ जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दरअसल दोस्तों, जब मुकाबले में जोंटी रोड्स बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ही उतरे थे, लेकिन दोस्तों इसी दौरान जोंटी रोड्स सुरेश रैना के पास बेहद ही गुस्से में लाल होकर पहुंचे, और इस दौरान सुरेश रैना पर ऐसा लग रहा था कि वो उनको बल्ला मारने वाले हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, इसके ऊपर खुद जोंटी रोड्स ने बड़ा खुलासा करा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जोंटी रोड्स कहते हैं कि सुरेश रैना एक बेहतरीन फील्डर है, पूरी दुनिया जानती है, और सुरेश रैना मेरा अच्छा बॉन्ड काफी सालों से, और हम दोनों खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, और हमेशा जब भी मिलते हैं तो हंसी मजाक हमारा जारी रहता है। हालांकि आज के इस मुकाबले में सुरेश रैना ने पहले बल्लेबाजी से कमाल दिखाया, और उसी की बल्लेबाजी के बाद टीम इंडिया के अंदर हौसले अफजाई हो गए, और उसके बाद से स्टुअर्ट बिनी और यूसुफ पठान ने तो यहाँ हमारी टीम को तो हरा दिया, लेकिन मैं इस मैच को खेलने के बाद बहुत खुश हूँ। और फिर आगे उन्होंने खुलासा करते हुए सुरेश रैना के ऊपर गुस्सा करने पर बताया कि मैं कोई सुरेश रैना पर गुस्सा नहीं कर रहा था, मीडिया तो बातें फैलाने में नंबर वन है, हम दोनों आपस में बस बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त मैं 2 चौके लगा चुका था, अगला चौका मेरा चला जाता अगर सुरेश रैना दखल अंदाजी ना करते, लेकिन सुरेश रैना की फील्डिंग का मैं फैन हूँ, और उनकी फील्डिंग को देखकर मुझे अपनी याद आ जाती है कि आखिरकार एक समय पर मेरी भी फील्डिंग ऐसी ही लाजवाब हुआ करती थी। हालांकि सुरेश रैना और मेरे बीच में ऐसी कोई टकराव नहीं है जिसके चलते हम एक दूसरे पर गुस्सा करें, हम दोनों वहां बस मजाक करने के लिए पहुंचे थे, और भारत के हर एक खिलाड़ी से मैं मजाक करने में हमेशा ही आगे रहता हूँ, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों का नेचर ही इतना अच्छा और प्यारा है कि वो कभी भी मेरे मजाक को सीरियसली नहीं लेते। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर जोंटी रोड्स ने तो ये कहकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ऐसे ही जीत लिया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है जोंटी रोड्स के बयान के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।